हाँ भाई बातें जी करनी सर है। जी, बेटा सर देखो कहाँ पर चल रहे थे हम लोग लास्ट में। जी, हम आपने वो बता दिया था सिस्टम। हाँ जो टिश्यू सिस्टम, सारे टिश्यू सिस्टम हो गए थे, सर एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब बात करेंगे हम एनाटॉमी ऑफ रूट्स रूट्स की। सर जी, एक्वेरियम इस टाइम कौन सा होता है सर कौन जी? है जी सा बेटा एक्वेरियम ऐसा कौन सा करके कुछ है? हाँ कहाँ है, कहाँ है एक्वेरियम एकाइरन सर जी, आज उसे एक्वेरियम चीज होता है, एकाइरन चीज एक प्लांट है, अच्छा उसका स्टेम होगा। प्रैक्टिकल में किसमें, बीएससी में, बीएससी में प्रैक्टिकल था आज बॉटनी का जी सर। कॉलेज में। अच्छा, कौन था एग्जामिनर, कुल कुल मतलब वैसा था मेन मेन प्रैक्टिकल था मेन एग्जाम वाला। जी सर, अच्छा एग्जामिनर तो आना चाहिए था, तो हो सकता बाद में आना हो। हाँ जी भाई, एनाटॉमी ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहे थे हम। तो देखो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, रूट्स की जो एनाटॉमी है बेटा डिटेल में, कल मैंने जो पढ़ाया था, मैंने बताया था ना आपको कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मैंने जो बताया कल, उसमें बहुत सारे आपके वो सॉल्व हो जाएंगे पॉइंट, बताया था ना ये बात मैंने। सर तो मैंने ये बोला था कि केवल हमें फिर क्या करना है, एक कंपेरेटिव उनकी वो बात करनी है, रूट्स की मोनोकॉट और डायकॉट रूट की एनाटॉमी कैसे पढ़नी है, केवल टेबल वाइज कंपेरेटिव बस, बाकी सारी बातें तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका उसमें। सर आ जा बेटा, जी, एक्वेरियम देखिए एक होते हैं डायकोट रूट्स, एक होती है मोनोकोट रूट्स, है ना बेटा, मतलब यस सर उनकी एनाटॉमी की बात कर रहा हूं मैं, एनाटॉमी ऑफ डायकोट रूट और एनाटॉमी मोनोकोट रूट। तो ऊपर हमने एनाटॉमी हेडिंग डाल दी। आप जैसे कि हम बात करें, यहां पर हम कंपेरेटिव बात करेंगे, जो कॉमन बातें हैं उनकी बातें ज्यादा नहीं करेंगे हम। तो आपको पता है बातें नहीं, आप ये मेल मिलाप नहीं कि मतलब इतने दिनों में कोई आया है ना, कोई बाद में आया है, क्योंकि बहुत से बच्चे आज ऐसे लग रहे हैं जो कल नहीं आए थे, जी सर जी जो आज दिखाई दे रहे हैं। सर तो बेटा कल का जो मैटर है उससे रिलेट बहुत करना था आज। वैसे भी हमें बताया था कि कल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो कराया था हमने, वो रूट और स्टेम में सब में काम आए। जी सर तो बेटा यहां पर देखिए, रूट में सबसे बाहर से चलते, देखो दिमाग में सोचो जरा, रटने की कोई बात नहीं है, अपने एनसीईआरटी में वो खोल कर रखो आप डायकोट मोनोकोट रूट, और दिमाग में सोचकर चलते हैं, सबसे बाहर कौन सा टिश्यू होता है सबसे पहले, सर जी, एपिडर्मल टिश्यू एपिडर्म। तो एपिडर्मल टिश्यू होता है जिसको आप जानते हैं एपी बिलेमा बोलते हैं रूट में, और उसमें रूट हेयर पाए जाते हैं। तो रूट हेयर पाए जाना सारी रूट में होता है, मोनोकोट में डायकोट में, तो कोई पॉइंट डिफरेंस वाला तो नहीं हुआ, लेकिन नो हम जानते हैं कि रूट हेयर होते हैं यूनिसेल, और रूट हेयर में बता चुका, ऑलरेडी पढ़ा चुका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। नाउ उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या हाइपोडर्मिस होती है रूट में, हाइपोडर्मिस होती है, नहीं होती, स्टेम में होती है, उसकी बात ही नहीं करनी। अब कॉर्टेक्स पर आगे देखो, सीक्वेंस से चल रहे हैं, मतलब बच्चा सोचता है ना कि कैसे याद रखूं मैं, अरे तुम्हारे दिमाग में अगर है सीक्वेंस वाइज चलिए ना आप, बाहर से अंदर को टिश्यू। तो कॉर्टेक्स रूट में, कॉर्टेक्स के बारे में कोई डिफरेंस नहीं था मोनोकोट डाइकोट में, हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा का बना होता है, मल्टी सेलर है, कुछ इंटरसेलर स्पेस कम या ज्यादा होगा, और तुम्हें याद होगा मैंने कल बताया था कि स्टेम में प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन क्या है कॉर्टेक्स का, और रूट में क्या है, मैंने बोला था रूट में प्राइमरी फंक्शन है इसका फूड स्टोरेज का, एंड सेकेंडरी है टू प्रोवाइड पाथवे फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। अंडरस्टूड, सर तो ये भी कोई डिफरेंस नहीं आया जो हमें यहां पर लिखने का, कल में एनाटॉमी ये पढ़ा चुका है। यहां अब बात आती है तीसरी जो पॉइंट है, एंडोडर्मिस, इसमें भी कोई अंतर नहीं आना। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, सिंगल लेयर होती है, मैं देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं ये बातें, पैरेन्काइमा की बनी होती है, बेरिल शेप्ड सेल्स होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें पैसिव सेल होती है जहां से वाटर एंटर कर सकता है वाटर बॉटल, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप तो इम्परमेबल, बताया था मैंने डायग्राम बना बना के एकदम क्लियर आपको, जो एक बेहतरीन वाला डायग्राम मैंने बोला था एनाटॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपको सब में काम आएगा।
है ना। तो एंडोडर्मिस की बात खत्म, लिविंग सेल्स होती हैं पैरेन्काइमा की। तो ये मैंने अभी तक रूट की एनाटॉमी में क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया मैंने, मैंने एक्सप्लेन कर दिया एपिविलेमा। ओए बड़े इसमें इंक है भाई, अभी तो बच गया, नहीं तो कपड़े साथ रह जाता यार। एपिविलेमा और कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर। एपिविलेमा एंड रूट हेयर, ये सब अभी मैंने दोबारा से एनाटॉमी रूट की बता दी। यहां लिखी क्यों नहीं, क्योंकि डिफरेंस कोई डिफरेंस कोई है ही नहीं इन दोनों में, ना दो मोनोकॉट में ना डाइकॉट में। अब मैं चलता हूं आगे, अब क्या आएगा एंडोडर्मिस के बाद में, बेटे पेरिसाइकिल। तो देखिए आप याद करिए, मैंने कल बताया था कि पेरिसाइकिल डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट दोनों में लेटरल रूट बनाती है, क्या करती है, लेटर लेटरल रूट दोनों में बनाती है, ओके मोनोकॉट में भी डाइकॉट में। लेकिन डाइकॉट रूट में एक काम और करती है, वो एक्चुअली में कैम्बियम बनाने में और हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है, वास्कुलर कैम्बियम, क्योंकि मोनोकॉट रूट में कैम्बियम पाई नहीं जाती ना, तो उसे क्यों बनाएगी, वहां पे केवल लेटरल रूट्स बनाने का काम है। तो हम पहला पॉइंट यहां पर स्टार्ट करते हैं, डाइकॉट रूट में पेरिसाइकिल फॉर्म्स लेटरल रूट्स एंड आल्सो इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ, आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ किसके, वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है बेटा, जबकि मोनोकॉट में लिखेंगे ओनली फॉर्म लेटरल रूट्स, केवल क्या बनाती है, लेटरल रूट्स, बट नॉट वास्कुलर कैम्बियम। इसका मीनिंग ये हुआ सेंटेंस का कि केवल लेटरल रूट बनाती है, वास्कुलर कैम्बियम नहीं बनाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसीलिए, क्योंकि देखिए कैम्बियम बन रही है यहां पर, तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स, और यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। आज मैं सर की क्लास होनी थी एक्चुअली, उन्हीं का वो चल रहा था टर्म, बट वो तो विदाउट खराब है साधन के दूसरे तुम्हारे साधन, तो फिर मैंने मैनेज किया लास्ट मोमेंट पे, चलो भाई। तो देखिए बेटा रे, सेकेंडरी ग्रोथ यहां पर होती है डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं होती, क्यों, क्यों कैम्बियम ही नहीं है ना। यस सर, आपको एक बात याद है, मैंने अच्छे से बताया था, नहीं तो डायग्राम भी एनसीईआरटी का देख लीजिए, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का। देखो वास्कुलर बंडल, आ जाओ, वास्कुलर बंडल्स कितने दिख रहे हैं डायकोट में आपको, एक मिनट, डायकोट रूट में कितने वास्कुलर बंडल दिख रहे हैं, हैं? सर जी 8। ये बच्ची सही बोल रही है और तुम गलत हो। अच्छा सर, चार जाला में चार फ्लोए में तो 8 बंडल नहीं होंगे वो, तो क्योंकि ये यहां पर वास्कुलर बंडल रूट में कैसे होते हैं, रेडियल, एक ही चीज को गिनोगे, या तो जालम गिन लो, जालम ही क्लियर कट विजिबल होते हैं तो जालम ही गिने जाते हैं, तो चार दिख रहे हैं, जबकि मोनोकॉट में देख रहे हो वहां कितने दिख रहे हैं आपको, 8, वहां 8 दिख रहे हैं, है ना। तो बेटा रे पता है डाइकॉट में, डाइकॉट रूट में जो वास्कुलर बंडल्स का नंबर होता है वो 2 से लेके 6 तक होता है, कितना होता है, 2 से 6 तक। हालांकि एनसीईआरटी बोलती है कि डाईआर टू टेट्रार्क, मतलब 2 से 4 ज्यादा कॉमन है, लेकिन वैसे 2 से 6 तक होता है। ये किट में जब बैठ देना बंद, डाईआर टू है चार, द
तो हेक्जार का मतलब है वास्कुलर बंडल्स, 2 to 6, और 2 से लेके 6 तक है, तो 4 दे रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बेटा नॉर्मली 6 से ज्यादा होते हैं वास्कुलर बंडल्स, तो उसको बोलते हैं पॉली आर्च कंडीशन। क्या बोलते हैं? पॉली आर्च। मोर देन 6 वास्कुलर बंडल्स। और देखिए ये डायर टू हेक्जार और ये पॉलीआर कंडीशन है। आप और अगर हम बात करें यहां पर मोनोकॉट में और डायकॉट में डिफरेंस की, तो तुम्हें एक बात याद दिला दूं जरा। देखो कल वाला जो डायग्राम मेरा बनाया हुआ था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का डायग्राम देखें, जो मैंने बनाया था कल, हाँ चलिए मैंने कल जो बनाया था उस डायग्राम को देखिए। जिन लोगों के पास वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वाला डायग्राम है बना हुआ, है कुछ लोगों के पास? सर, हाँ, ये बच्ची के पास है, देख लो कलर है ना। तभी तो होता, तुम फोटो जो बहुत से खींच लेते हैं फिर कहते हैं कहां से देखें। तो पता है कंजक्टिव टिश्यू बताया था मैंने, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और एनसीईआरटी में लिखा ही मिलेगा डाइकोट रूट में। तो कंजक्टिव टिश्यू या कंजक्टिव पैरेन्काइमा होता बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, मोनोकोट में ऐसा नहीं होता। बहुत से बच्चे कह रहे हैं हम हवा में कहां से देखें, कहां से देखो। अच्छा कंजक्टिव पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स, यहां पर एब्सेंट है, कोई कंजक्टिव टिश्यू या कंजक्टिव पैरेन्काइमा नहीं होता, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एब्सेंट। तो सामने पॉइंट में हमने नाम लिख ही दिया कंजक्टिव, ठीक है। अच्छा पॉइंट है ये, एक सर जी, कितने कंजॉइंट क्लोज हुआ ना सर जी। इतनी पिटाई लगा दूंगा सर जी मैं हद से ज्यादा। सर जी कैमरे प्रेजेंट के साथ में वो खाता हूँ सर जी। पढ़ क्या बोला था मैंने, पढ़ो। कंजॉइंट स्टेम में होते हैं, रूट में होते हैं, कंजॉइंट बंडल सर जी जिसमें फ्लोएम और जाइलम एक साथ होते हैं। सर जी यहाँ तो रेडियल लिया तो फिर मैंने बताया था कि यहां पे चाहे डाइकोटो मोनोकोटो, स्टार्टिंग से केम्बियम नहीं होती, वो केम्बियम तो बाद में बनती है ना बेटा, वो बाद में पेरिसाइकिल बनाएगी, देख शुरू से थोड़ी है। तो कंजक्टिव पेरेन्काइमा प्रेजेंट है जाइलम फ्लोएम के बीच में और यहां पर एब्सेंट है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट लिखिए नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे डाइकोट में जो एनसीईआरटी में गिवन है, पता है क्या? पिथ, पिथ इज एब्सेंट। क्या लिखोगे? पिथ इज एब्सेंट और ओ आर और इन नेग्लिजिबल अमाउंट, या तो एब्सेंट है या बेटा कैसा है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब जानते हो ना, बहुत कम, ना के बराबर। हाँ, अगर हिंदी में बोलूं ना के बराबर, पिथ इज एब्सेंट और नेग्लिजिबल, जबकि यहां लिखना है मोनोकॉट में पिथ इज वेल डेवलप्ड। क्या लिखना है मोनोकॉट में? पिथ इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। बस हो गए खत्म, मोनोकॉट डाइकॉट रूट की एनाटॉमी खत्म हो गई। अगर आप क्वेश्चन आए एनाटॉमी ऑफ रूट डिस्क्राइब करिए, तो एनाटॉमी ऑफ रूट डिस्क्राइब करने के लिए आपको ये, मैं ये नहीं बोला कि एपिडर्मिस और ये डिस्क्राइब नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने आप बता तो दिए वो डिफरेंस में नहीं आएंगे, डिस्क्राइब कर चुका मैं उन्हें, क्योंकि तो कल मैं ये सब पढ़ा चुका ऑलरेडी, ठीक है। इसीलिए तो टिश्यू सिस्टम ही चला था कल पूरा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये रूट की एनाटॉमी हो गई। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको स्टेम की एनाटॉमी। जिसमें काफी सारे डिफरेंसेस आएंगे, एनाटॉमी या हम बोले इंटरनल स्ट्रक्चर,
ऑफ स्टेम। लिख लिया ये, मैं मिटा दूं, मैं हटा दूं अब। हाँ हाँ कहते हैं तो बाबा हाँ ना बस एक शॉर्ट हाँ भाई, तो बेटा रे जो एनाटॉमी ऑफ स्टेम की हम बात कर रहे थे, तो देखिए जब आप पढ़ते हैं तो हमने बताया था कि डाइकोट और मोनोकोट स्टेम है दो टाइप के। तो मैंने एक बात बताई थी, कोई बच्चा बताएगा कि कल मैंने जब टिश्यू सिस्टम पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने एक बात क्या बोली थी कि किस ये जो स्टडी हम कर रहे हैं ये है ना, किसको छोड़ करके कर रहे हैं हम या किस किसके लिए कर रहे हैं। हाँ बताओ क्या बोल रहे सर इस टाइम को छोड़कर हो। हाँ बिल्कुल सही बोले बच्ची, क्या नाम है ले तेरा लाल? साधिका, साधिका। तो बेटा रे हमने ये बात मोनोकोट स्टेम को छोड़ करके की थी, याद आई बात? क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर हैं, टिश्यू हैं जो है ही नहीं मोनोकोट स्टेम में। तो जो ग्राउंड टिश्यू था वो पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम को एक्सप्लेन करता है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं मोनोकोट स्टेम का डायग्राम बना के बताऊंगा अभी, है ना, क्योंकि नहीं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती अगर एक जैसी बातें होती लगभग, क्योंकि वैस्कुलर बंडल सब एक जैसे होते हैं, हमने पढ़ी चुके ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं मोनोकोट स्टेम बता रहा हूं पहले, फिर यहां डिफरेंस बताऊंगा। मोनोकोट स्टेम एनाटॉमी, बना हुआ एनसीईआरटी में ही मिलेगा, लेकिन शायद क्लियर नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए आप देखेंगे ध्यान से। तो समझदार बच्चे हैं वो ड्रॉ करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। वो जो केवल टाइम पास करने आए हैं वो अपना केवल बैठे रह जाएंगे। बात नहीं बेटा, हाँ बच गया। तो बेटा रे देखिए ये सबसे ऊपर क्या है, एपिडर्मिस, उसके बाद में है हाइपोडर्मिस,
उसके बाद में है पूरा ग्राउंड टिश्यू, पूरा ग्राउंड टिश्यू एक्चुअली अनडिफरेंशिएट है बेटा। ये आवाज कहां से आ रही मुझे? ये लड़कों की तरफ से आवाज आ रही है किसी की? ये ग्राउंड टिश्यू या ग्राउंड पैरेन्काइमा है, ठीक है पूरा बेटा। मतलब इसका मतलब ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि ना तो यहां पे एंडोडर्मिस है, ना कॉर्टेक्स है, ना पेरिसाइकिल है, ना पिथ है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, पूरा ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है ना बेटा। जैसे ये होता है, जैसे रूम का दीवार बनी होती है और हम बोले कि मैदान पड़ा हुआ है, कोई रूम नहीं बना हुआ, बाउंड दीवार ही नहीं है। भाई दीवार बन गई तभी तो रूम बन गया, तो ऐसे ही वहां पर पूरा का पूरा है ना एक ग्राउंड टिश्यू है, उसके अंदर वैस्कुलर बंडल है स्कैटर्ड छितरे हुए फैले हुए हैं। अच्छा वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, लेकिन जरा गौर से देखें, अभी मैं इसको मैग्निफाई करूंगा एक हिस्से को बड़ा करके, ये दिखाऊंगा कि कैसा वैस्कुलर बंडल है। अभी तो बस ऐसे गोला गोला खींच दिए ओवल से। आपको कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि बीच में बड़े बड़े हैं अंदर की तरफ, ये पॉइंट लिखा हुआ है, और बाहर की तरफ छोटे होते चले जाते हैं वास्कुलर बंडल पेरिफेरी की तरफ। तो हम इन्हें बोलेंगे सेंट्रल लार्जर वास्कुलर बंडल्स, और ये बेटा पेरिफेरल स्मॉलर वास्कुलर बंडल, ठीक है बेटा। आप देखिए इसका एक पोर्शन सपोज करिए, कोई भी एक पोर्शन ले लेते हैं हम, और इसका सेक्शन दिखाते हैं, मतलब उसको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं हम। एक मैंने ऐसे एक देखिए रेक्टेंगल सा पोर्शन ना, इतने पोर्शन को मैं दिखा रहा हूं यहां पे, ये मान के चलते आप। ये एपिडर्मिस सबसे ऊपर जी सर जी, उसके बाद में हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस पता कैसी होती है हाइपोडर्मिस यहाँ पर? मल्टीलेयर है, मल्टीलेयर, मल्टीलेयर तो होती है स्टेम में, स्क्लेरेन्काइमा की जो मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी जी सर जी, कि मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेन्काइमा की इंपॉर्टेंट पॉइंट है आने वाला हमेशा, और डाइकॉट में कॉलेन्काइमा की ऑलरेडी पढ़ा चुका, फ्रेंड्स में आएगा वैसे पॉइंट। आप यहाँ पर वास्कुलर बंडल बनाने जा रहे हैं, कौन सा देखिए, और यहां पर ये बंडल बना देता हूं और हाईलाइट कर देता हूं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना शकल कि दो आंखें लग रही हैं, एक नाक और एक मुंह है ना, ऐसे लग रहा है। तो देखिए ये वास्कुलर बंडल्स हैं, और वास्कुलर बंडल में हर एक वास्कुलर बंडल में बेटा एक तो होती है बंडल सीथ, क्या होती है बंडल सीथ, उसकी बाउंड्री बनाने वाली होती है बंडल सीथ। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, ये लीफ की एनाटॉमी की तरह यहां पर दिखाई देगा कि वास्कुलर बंडल के चारों ओर एक बंडल सीथ है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि फैले हुए ना पूरे में, तो पेरिसाइकिल तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ बाउंड्री तो बना रही प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद में आप बताइए मुझे कि स्टेम में कैसे होते हैं वास्कुलर बंडल, रेडियल या कंजॉइंट कुलेटरल? कंजॉइंट, कंजॉइंट कुलेटरल होते हैं ना नॉर्मली। तो बेटा
अच्छा कंजॉइंट क्वाड्रेटर तो आप जानते हैं, एक चीज और सर, फ्लोएम बाहर होता है ना, यस सर, कंजॉइंट क्वाड्रेटर में क्या होता है, फ्लोएम बाहर बाहर होता है, नीचे जाइलम होता है। आप जाइलम में आप जानते हैं कि स्टेम है एंडार कंडीशन या एक्जार कंडीशन, तभी तो ये सारी बातें, अगर ये डिक्शनरी है देख लो, हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके, कैसी कंडीशन बताओ, एंडार कंडीशन होती है, स्टेम में और लीव्स में एंडार्च होती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अब यहां रटनी पड़ेगी, अब ये थोड़ी कोई बताएगा कि आज तुम्हें सुबह की मम्मी को पापा का क्या नाम है और घर जाके भूल जाओ कि कल को फिर कोई बताएगा दोबारा, बताओ मुझे। सिमिलर वे में ये एबीसीडी जो पढ़ ली तो वो तो जिंदगी भर वही रहनी है ना, ऐसे ही वो डिक्शनरी है कि रेडियल किसमें, कंजॉइंट किसमें, एंडार का किसमें, एक्जार किसमें, वो तो हमेशा यूज होती रहेगी ना टाइम में। तो एंडार कंडीशन में क्या होता था, प्रोटोजाइलम अंदर मेटा बाहर। अब इसके अंदर वाला पोर्शन कौन सा है भाई, ये तो एपिडर्मिस वगैरह होगी बाउंड्री, इसके अंदर की तरफ हो गया है ना, तो इसलिए ये जो मूसा बना हुआ है ये नोजी, ये तो है प्रोटोजाइलम छोटा वाला, ये एमएक्स मेटाजाइलम। तो यहां पे जाइलम इंटरेस्टिंग पता क्या होता है, जाइलम वी या वाई शेप का होता है। आप ऐसे अगर खींचे तो ये ऐसे दिखना या ऐसे नहीं दिख रहा, ये अगर मैं लाइन से इनको जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, वी या वाई बन जाएगा, या तो वी शेप कह दो या वाई शेप। ये स्पेशलिटी होती है मोनोकोट स्टेम की, जाइलम की। ये नहीं है कि मैंने मन से निकाला हुआ ये कोई करेक्टर, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है जो तुम्हें कोई भी टीचर पढ़ाएगा कायदे से, ठीक है। तो बेटा अब इस प्रोटोजाइलम, क्योंकि प्रोटोजाइलम एलिमेंट नैरो होते हैं, मैंने बताया था, मेटाजाइलम ब्रॉडर होते हैं, वाइडर होते हैं, तो वो दिख रहा है। लेकिन उस प्रोटोजाइलम के नीचे एक और मूसा जो दिख रहा है, ये एक्चुअली प्रोटोजाइलम से बनने वाला, प्रोटोजाइलम कैविटी होती है, वाटर कंटेनिंग कैविटी, वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है मोनोकॉट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रोटोजाइलम कैविटी। प्रोटोजाइलम वाटर कंटेनिंग, चलिए ठीक है। अब आ जाती हैं, हो गया मोनोकोट स्टेम के एनाटॉमी, अब आ जाती हैं सारे डिफरेंसेस पर, जिसमें कि दोनों की हम बात करेंगे, डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम। बेटा रे सबसे पहले बाहर से चलते हैं, सबसे बाहर बताइए क्या होता है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होता है सबसे बाहर टिश्यू। तो एपिडर्मिस में डाइकोट और मोनोकोट स्टेम में एक जैसी एपिडर्मिस से कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें याद है मैंने एक बताए थे ट्राइकोम स्टेम हेयर्स बताए थे ना, डाइकोट स्टेम में पाए जाते हैं, मोनोकोट में नहीं पाए जाते। तो सबसे बाहर वाला पॉइंट लिया मैंने, ट्राइकोम्स यानी स्टेम हेयर्स, आर प्रेजेंट और यहां पर लिखेंगे सामने एब्सेंट, बस क्लियर। यस यस, चलिए ये तो बात होगी एपिडर्मिस के डिफरेंस वाली, अब बात करते हैं आगे, दूसरा पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब एपिडर्मिस के बाद माई हाइपोडर्मिस, ठीक है सीक्वेंस से चल रहा हूं मैं, जिससे कि याद बच्चे को आसानी से रहे, नहीं तो मैं तो इधर उधर आगे पीछे डिफरेंस बताना शुरू कर दूंगा। तो ये तरीका होता है याद रखने का, हाइपोडर्मिस पे आ जाओ और सोचो कि हाइपोडर्मिस में कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है। तो आप कहेंगे हाँ सर आपने पढ़ाया था हमें कल कि हाइपोडर्मिस डाइकोट की कोलेनकाइमा की होती है और इसकी स्प्लेनकाइमा कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। और यहां पर स्क्लेरेनकाइमेटस, तो मैंने ये बात ही बताई थी बेटा याद करो कि किसकी ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन देगी, तो मैंने बताई थी बात, तो आप में से एक आध बच्चे ने ये बात बोला भी था समझदारी से शायद,
कि स्क्लेरल कायमा की ज्यादा देगी, यस क्योंकि स्क्लेरल कायमा ज्यादा स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू, तो डेड इसीलिए हो गया बेचारा। खैर तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं हम, आप हाइपोडर्मिस के बाद में कौन होता है? कॉर्टेक्स। कौन होता है? कौन है यस कोई अंतर नहीं, एक जैसा कॉर्टेक्स दोनों में, लेकिन नहीं अंतर है, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, कोई अंतर नहीं, तो ये गलत पॉइंट बोल दिया मैंने। अंतर की क्या बात है, एक्चुअली मोनोकोट में है ही नहीं, मोनोकोट में ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट ही नहीं है, डाइकोट में तो डिफरेंशिएट है, जिसमें मेजर पार्ट कॉर्टेक्स है। तो ध्यान से सुने, यहां पर जो मैं लिख रहा हूं, ग्राउंड टिश्यू रिमेन डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, बेटा कॉर्टेक्स है ना, और एंडोडर्मिस या स्टार सीट कहते हैं हम उसको, पेरिसाइकिल एंड बिथ, ठीक है, जबकि यहां पर कहेंगे हम ग्राउंड टिश्यू एज अनडिफरेंशिएटेड, यानी सब में नहीं डिवाइड होता वो, अनडिफरेंशिएटेड पेरेंट कायमा। ग्राउंड टिश्यू किससे बना हुआ है? अनडिफरेंशिएटेड पेरेंट कायमा से बना हुआ है। इसका मतलब यहां पे मैं फोर्थ पॉइंट बोल सकता हूं, कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल एंड पिथ आर प्रेजेंट, कैसे होते हैं बेटा ये प्रेजेंट, यहां सारे के सारे कैसे हैं? एब्सेंट। देखो फोर्थ पॉइंट उसी पॉइंट से बना हुआ है, एक्चुअली उसी पॉइंट से बना हुआ है, हमने उसमें बोला है कि कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल पिथ प्रेजेंट हैं, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड है, और इसमें सामने बेटा हमने कि वो अनडिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा है, तो यहां पर एब्सेंट है। क्लियर है? अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन लोग, तुम्हें याद है मैं बता चुका हूं, ये बात ही पढ़ा चुका हूं, एंडोडर्मिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं यहां पे एंडोडर्मिस को? स्टार सीट। भूल गए, देख लो सेल नहीं, सीथ बोलते हैं, स्टार सीथ एंडोडर्मिस का नाम, ये कैसे कहते हैं? स्टार सेल बोलते हैं, स्टार सीथ कहते हैं उसको, क्यों? क्योंकि ये स्टार्च ग्रेन स्टोर करती है, क्या स्टोर करती है? स्टार्च ग्रेन, तो उसको एंडोडर्मिस का नाम होता है स्टार सीथ, ठीक है, दूसरा कोई नाम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। और बेटा रे मोनोकॉट में होती नहीं, एब्सेंट है, इसी बात पे कई सारे पॉइंट बन गए हमारे बार 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 में, फिर भी हमने कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल पे एक साथ ले लिए, ये तो हम बोलते हैं कॉर्टेक्स प्रेजेंट एब्सेंट, पेरिसाइकिल प्रेजेंट एब्सेंट, तीन पॉइंट उसी के बना सकते थे हम। अब आगे बढ़ते हैं, एंडोडर्मिस की बातें हो गई, अब क्या आता है? अच्छा पेरिसाइकिल ऑलरेडी हो ही गई कि है ही नहीं दोनों में, मतलब उसमें मोनोकॉट में तो पेरिसाइकिल है ही नहीं, डाइकोट में है, और मैंने बताया था पेरिसाइकिल स्टेम में डाइकोट में क्या काम करती है, मल्टी लेयर्ड होती थी नॉर्मली, और स्क्लेरल काइमेटस होती थी है ना बेटा, और काम क्या करती थी? प्रोटेक्शन का काम देती। तो बेटा रे उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है वास्कुलर बंडल्स, क्या आते हैं? बंडल वास्कुलर बंडल, पता है डाइकोट स्टेम में वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं? चाहो तो यहाँ पे एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, इतना साफ डायग्राम तो नहीं है, अच्छा, या फिर पता है मैंने स्टार्टिंग में जो बनाया था, सबसे पहले जब एनाटॉमी स्टार्ट हुई थी, जब मैंने तुम्हें इंटर और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम बताने के लिए एक डायग्राम खींचा था स्टार्टिंग वाले दिन, अगर किसी बच्चे को याद हो वो, या बनाया हो सिंसियर अगर कोई हो तो, जी डाइकोट स्टेम का मतलब एक मैंने सबसे पहले टिश्यू का डायग्राम खींचा था पहले दिन जब एनाटॉमी स्टार्ट, टिश्यू की नॉलेज देने को, इंट्रा फेसिकुलर और इंटर फेसिकुलर की जानकारी देने को, किसके पास है वो?
डाइकोट में होगा। यस सर, ये है। हाँ सही बोला, ये भी है। जब शुरुआत हुई थी एकदम एनाटॉमी की, तो आप देख रहे हैं ये बच्चे का बनाया हुआ है। बहुत से बच्चों के पास है ही नहीं कि कौन सी की बात कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता सर। हाँ उस बच्ची के पास भी है वो रहा। भूल गए सर, इंटर फेसिकुलर, इंट्रा फेसिकुलर सब भूल गए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये मेरी गलती है दूसरी नोटबुक में, तो गलती किसकी है? देखो जो वास्कुलर बंडल थे वो डाइकोट स्टेम थे, रिंग में पाए जाते हैं पूरे के पूरे, और कंजॉइंट कोलेटरल थे, इसकी तरह ऐसे स्कैटर्ड नहीं है फैले हुए। पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी लिखिए पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सिक्स। पहले तो ये लिख दो, बंडल सीथ, क्या बंडल सीथ है डायकोट में? इज एब्सेंट, जो कि मोनोकोट में आपने देखा बंडल सीथ प्रेजेंट है। है ना बेटा, बंडल सीट पाई जाती है। अब देखिए यहां पे मैं फिर से डाइकोट लिख रहा हूं, इधर का ही भर गया हमारा पूरा डाइकोट स्टेम और ये मोनोकोट स्टेम। सेवेंथ पॉइंट, वास्कुलर बंडल्स डाइकोट में एक रिंग में होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसको कोई जानता है क्या बोलते हैं सोएब? जब रिंग में वास्कुलर बंडल होते हैं जानते हो क्या कहते हैं उसको? टर्म कोई भी जानता है? यू स्टील या यू स्टेलिक कंडीशन। यू स्टील या यू स्टेलिक कंडीशन, इसका मतलब होता है वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन रिंग। किसमें पाए जाते हैं वास्कुलर बंडल्स? रिंग में पाए जाते हैं, तो इसको बोला जाता है यू स्टील कंडीशन या यू स्टेलिक कंडीशन, है ना? जब वास्कुलर बंडल रिंग में पाए जाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बस एक रिंग पाई जाएगी, और यहां पर उसको टर्म देते हैं एटैक्टो स्टील, एटैक्टो स्टील। वैस्कुलर बंडल्स रिमेन स्कैटर्ड, छितरे हुए रहते हैं, रिमेन स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। समझे आप? देखो ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए नहीं पड़े पूरे में। एक होता है प्रॉपर अरेंजमेंट, है ना, जैसे अभी यहां प्रॉपर बैठे हुए, चलो डेस्क लगी हुई है, एक है एक यहां बैठा है, एक वहां बैठा है, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठ गया है, एक वहां बैठ गया है ना, ये होता है कैसे भी उल्टा सीधा कैसे भी स्कैटर्ड। जैसे कल नहीं देखा था, कोई दो इधर से निकल के जा रहे थे, जहां उन्हें जगह दिख रही थी, दो इधर से जा रहे थे, दो पीछे से आ रहे थे बच्चे, आज थोड़ा सही तरीके से आए साथ से। तो आप देखें एक बेटा यहां पर जो वास्कुलर बंडल्स हैं, देखिए वो एक ही साइज के होते हैं, किसमें? डाइकोट में। कैसे होते हैं? एक साइज, सेम साइज के सारे वास्कुलर बंडल, लेकिन मोनोकोट में अंदर बड़े बाहर छोटे। हाँ तो ये पॉइंट भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सेम साइज ऑफ वास्कुलर बंडल, बेटा वी वी का मतलब आप जानते हो वास्कुलर बंडल है ना? यस सर जी। कहीं लिख भी लेना, कहीं बाद में कुछ बच्चे इसी को भूल जाए, क्या था ये वी वी, है ना? बहुत से तो निश्चित कह रहा हूं जी सर, बातों में रह जाते हैं,
जबकि उन्हें लगता है कि अरे ये तो दोस्त हमारा मिलेगा नहीं, है ना, आवाज आ गया है और पता नहीं कितने दिन तक ना आए, लड़की लड़के जो भी आपस में, कि ये सहेली हमारी कब तक ना आए, बतिया लो अभी इससे, अपने घर की पूरी बातें कर लेते हैं या दूसरे की बातें कर लेते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें जब तक पंचायत पूरे सब लोगों की ना कर ले अपने, है ना, तब तक उन्हें शांति नहीं पड़ती। जी, हजम नहीं होता, हाँ, हजम नहीं खाना हजम होता, होता। चैन नहीं पड़ता, पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे। जबकि एक काम ये भी तो कर सकते हो, अगर एक दूसरे का भला चाहने वाले दोस्त वास्तव में हैं सच्चे, तो वो फिर फालतू बात नहीं करेंगे इस समय पर, क्योंकि इस समय आपका जो ऑब्जेक्ट है, टारगेट है, वो कुछ और है ना। तो उनका क्या करेंगे वो फिर, कि अच्छा चल बता, क्विज करते हैं, चल पूछते हैं, कल सर ने पढ़ाया था है ना, बता एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, एक तो पूछेगी। ऐसे भी कर सकते हो खेल खेल में, इंटरेस्टिंग। तो ये तरीके होते हैं कि कौन क्या कर रहा है उसका टाइम का यूटिलाइजेशन, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि देखो हमें वैसे ज्यादा वो नहीं होती कि हम उन टीचरों में से नहीं है। अब मैं सुबह अपने कॉलेज गया था, तो दो बच्चे बैठे हुए, बहुत मिल नहीं कॉलेज में घुसने पर बॉटनी डिपार्टमेंट से पहले वो लॉन है ना, वहां पे मेन रास्ते में एक लड़की और एक लड़के बैठे हुए, बिल्कुल सटे हुए बैठे हुए एक दूसरे के साथ, और बातें चल रही हैं उनकी प्यार मोहब्बत की आराम से। सर जी आपकी और बहुत मैंने खड़ा किया, खड़े हो जाओ, नाम देखा क्या नाम है, जो भी नाम है ठीक है, कि ये खानम वो मोहम्मद जो भी, दोनों थे साथ में। तो मैं बोला बेटा किस क्लास के हो, बच्ची बोली मैं बीए की हूँ सर, ये बीएससी का है। मैंने कहा इसकी जबान है नहीं, खुद बोलेगा। मैंने बोला देख बेटा ईमानदारी से बोलेगा, मुझे सच्चाई पसंद है, तो ठीक है, सच सच बता दे तू कॉलेज का नहीं है। बोला हाँ सर मैं कॉलेज का नहीं, 11th में पढ़ता था वो, और लड़की बीए में थी। और जी मैं बोला कि बता अगर तुम्हारे घर वाले ने भी वो दी हो परमिशन, तो बता फोन करके भी पूछता हूँ, बता फादर करूंगा। तो बस सॉरी सॉरी वो बोल के, मैं बोला मेरा मतलब ये नहीं है, देखो अगर पढ़ने आए हो तो या तो क्लास में जा और ये बाहर जाएगा, या फिर दोनों यहां से जाओ, कहीं दूसरी जगह है, बहुत सारी जगह है यहाँ तो, तमाम जगह है, कंपनी गार्डन है कहीं भी, या कितनी सारी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जी रेस्टोरेंट में बैठो अगर बातें करनी है आपको, तो कहीं जी भी, अगर वही तुम्हारा फ्यूचर है, वही डिसाइड किया है तो। मतलब अभी आपका ये कुछ सेटलमेंट नहीं है, है ना। अब वो 11th का क्या कर लेगा, क्या खिला, खुद खा लेगा क्या खिला लेगा, वो एक ही काम आता है उन्हें तो, बस ये बस है ना, बातें बातें बस, प्यार मोहब्बत की। नहीं मतलब हाँ देखिए ये तो जानवर भी जानते हैं इतना कि, है ना, कि बातें होंगी प्यार मोहब्बत की, बच्चे पैदा हो गए, ये तो जानवर भी जानते हैं, सर नहीं जानते, जी ये तो संसार का नियम है, एनिमल प्लांट्स का, प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मेरी बात समझ रहे हो ना, सर कि चाहे कहीं भी गले पे बैठ जाएगा, दुकान पे बैठ जाएगा, निकाह हो गया, शादी हो गई, जो भी हो गई, बस बच्चे पैदा हो गए। लेकिन तो मेन चीज ये है, तो फिर मैंने समझाया बेटा कि मैंने कुछ ज्यादा वो नहीं कहा कि मैं बहुत ज्यादा है ना उन्हें ज्यादा डांटू पीटू कुछ करूं, मैं बोला कोई बात नहीं बेटा जाओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माहौल ये ठीक नहीं है, और तुम रास्ते में यहाँ बैठे हो, और उल्टा कोई प्रिंसिपल साहब प्रवक्ता आ जाते तो फिर तो और ज्यादा लग जाती उनकी, तो ये वहां के साथ नहीं है, ये माहौल इतना खराब कर दिया सोशल मीडिया ने और इन सब चीजों ने, लोगों ने। विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। चलिए शिक्षा का मंदिर तो कहा जाता है, मैं तो कह रहा हूं मंदिर भी मत मानो तो विद्यालय तो मान लो, मंदिर मानना अलग चीज है, चलो उसको मंदिर मत मानो, विद्यालय तो मान लो कि वो एजुकेशन की जगह, अगर आपका मन है तो पढ़ाई कीजिए, ऐसे यहां पे भी मैं बोलता हूँ, मन है तो पढ़ने आइए, नहीं तो अपने घर में बैठिए, टाइम पास करने के लिए मत आइए, मेरी बात समझ रहे हो ना तुम। तो बेटा रे, और एक होता है तभी तो, कि आप कुछ सेटल हैं, कुछ ये है वो है, तो आप ठीक है, घर वाले सोच रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ने गए हुए हैं और बच्चे तोता मैना उड़ा रहे हैं, यहाँ पर बेटा देखिए डिफरेंट साइज के बच्चे लोग डाले, मैंने बताया ना आपको, सेंट्रल कैसे हैं,
सेंट्रल लार्ज और उसको भी उसमें भविष्य नजर आ रहा था इलेवेंथ के बच्चे में। सेंट्रल लार्जर वास्कुलर बंडल एंड पेरिफेरल स्मॉलर वास्कुलर बंडल, ठीक है बेटा। तो पेरिफेरी पे स्मॉलर वास्कुलर बंडल हैं और सेम साइज के वैस्कुलर बंडल यहाँ पे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अच्छा एक और चीज देखिए, वैस्कुलर बंडल में कितने सारे पॉइंट आ रहे हैं। एक बात और वैस्कुलर बंडल का आप देख रहे हैं कि आपको पता है कि सर यहां पर मोनोकॉट में तो वी या वाई शेप का जालम था, डायकॉट में तो ऐसा कुछ नहीं था, है ना। लेकिन उससे पहले एक बात और बता देता हूँ सर, देखिए स्टेम है तो स्टेम में किस टाइप के वैस्कुलर बंडल होंगे, रेडियल या कंजॉइंट। देख के मत बोलो नीचे, ऐसे यहाँ दिमाग में कितनी बार रिपीट हो चुकी है बात, कितनी बार कंजॉइंट होंगे, जालम फ्लोएम एक साथ होते हैं, जालम भी होता है फ्लोएम भी होता है उसी बंडल में, ठीक है एक साथ। रेडियल बोलते हैं रूट में, जब जालम अलग होता है फ्लोएम अलग होता है, यहाँ पे मैंने एक साथ ही दिखाया जालम फ्लोएम थोड़ी दिखाया, अलग अलग अंदर वाला जालम है बाहर वाला फ्लोएम, ये कैम्बियम की पट्टी है। तो कंजॉइंट कोलेट्रल और एंड आर्क ये डायकोट स्टेम के लिए भी है और मोनोकोट स्टेम के लिए भी है, अंतर है ओपन और क्लोज्ड में। जी सर, जब कैम्बियम होती है डायकोट में ओपन, तो वो ओपन बोला जाता है, जब कैम्बियम पाई जाती है उसको बोलते हैं ओपन, और जब कैम्बियम एब्सेंट होती है तो बोलते हैं क्लोज्ड। तो डायकोट में हम लोग लिखेंगे कंजॉइंट कोलेट्रल एंड आर्च एंड ओपन वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। यहां सामने नाइन्थ पॉइंट लिखेंगे कंजॉइंट कोलेट्रल एंड आर्च, ये मैंने इसलिए लिख दिया जिससे पता चल जाए पूरा करेक्टर भी, नहीं तो हम सीधे ओपन क्लोज लिख देते, एंड आर्च एंड क्लोज। बेटा नेक्स्ट टेंथ पॉइंट हम लिखेंगे, देखिए ये ओपन क्लोज जो वाली बात हो रही थी वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप जानते हैं यहां पर वास्कुलर कैम्बियम जालम फ्लोएम के बीच में है ना, वो इंट्रा फेसिकुलर वाली प्रेजेंट होती और यहां पर ये एब्सेंट होती, यहां पर ये एब्सेंट होती है। अब देखिए यहां हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो मैंने बताया था कि जो जाइलम है वो जाइलम कैसा, वी या वाई शेप का, किसमें मोनोकॉट में डायकॉट में नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल जाइलम यहां पर लिख देंगे जाइलम इन वी और वाई शेप। देख लो रूट में डिफरेंस नहीं थे इतने, स्टेम में कितने सारे डिफरेंस आते जा रहे हैं ना, और सबकी इनकी एनाटॉमी खत्म होती जा रही है, जो आपकी एनाटॉमी लिखी हुई है ना डिस्क्राइब हुई है वो सब बातें इसमें सब खत्म हो जाएंगी और एक्स्ट्रा आएंगी बातें। इसके अलावा देखिए बेटा जो हमारा क्या बचा, नॉर्मल हो गया, ये सब हो गया हमारा। प्रोटोजोलम कैविटी आप देखिए क्या प्रेजेंट डायकोट में, नहीं होती प्रोटोजाइलम कैविटी, एज एब्सेंट, हाँ और यहां पर होती बेटा वाटर कंटेनिंग, वाटर कंटेनिंग पीएक्स कैविटी या प्रोटोजाइलम कैविटी एज प्रेजेंट, वाटर कंटेनिंग प्रोटोजाइलम कैविटी इज प्रेजेंट। तुम्हें वहां से दिखाई दे रहा है बोर्ड सर जी, वाटर कंटेनिंग और प्रोटोजाइलम कैविटी क्या है ना, एक ही बात है, एनसीईआरटी ने केवल वाटर कंटेनिंग कैविटी दिया है लेकिन बनती किससे है, प्रोटोजाइलम से ही बनी है वो, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, है ना। वो वाटर कंटेन करती है, वाटर मतलब रखती है, वाटर कंटेनिंग मतलब वाटर को स्टोर करती है, ठीक है।
वास्कुलर बंडल में ही वाटर को स्टोर करती है। एक इंटरेस्टिंग बात है, मेज में देखी गई थी ये, मेज मतलब वही भुट्टा कॉर्न मोनोकॉट है। तो ये ऐसे डिफरेंसेस हैं। एक पॉइंट और याद आ गया मुझे, एनसीईआरटी में है फ्लोयम पेरेन्काइमा प्रेजेंट और मोनोकॉट में एब्सेंट। थर्टीन पॉइंट है ये, तेरह में देख, ये तेरह पॉइंट बता दिए मैंने और ये स्टेम की एनाटॉमी खल्लास हो गई। अब बात करेंगे हम लोग, लिख दो जल्दी से, लीव्स की एनाटॉमी। लीव की एनाटॉमी भी आज खत्म कर देंगे, यानी आज एनाटॉमी ऑर्गन्स की इनकी खत्म हो जाएगी। स्टेम रूट की एनाटॉमी हो गई, स्टेम की एनाटॉमी। वही इतने सारे पॉइंट कहीं मिलने नहीं है आपको, बता रहा हूं मैं आप, चाहे कहीं भी पढ़े हो या कहीं पढ़े हो, ये जो सारे मैंने पॉइंट बताए हैं जरूरी जरूरी। आज तो बच्चे ज्यादा से लग रहे हैं, कुछ कुछ धीमे धीमे काफी आ गए उम्मीद के विपरीत। है नौ सर, हाँ नहीं मिटा नहीं रहा हूं मैं अभी, मिटा तो नहीं रहा, जल्दी से लिखो। ये अच्छी बात है कि सारे पॉइंट देख लो बोर्ड पर सारे आ गए हैं, हमने दो पार्ट में डिवाइड करके इसको अच्छा किया। तो चार बॉक्स जरूर दिख रहे हैं आपको, लेकिन बॉक्स रियलिटी में दो ही हैं, इसके बाद इसको कैरी कर क्योंकि बोर्ड हमारा काफी बड़ा है, पूरे बोर्ड का यूटिलाइजेशन हुआ इस बार देख लो, क्योंकि बिना मिटाए हुए एक बार में पूरा स्टेम की एनाटॉमी यहां पर सामने आ गई, पूरे स्टेम, बिकॉज मोनोकॉट स्टेम का इधर बना दिया मैंने, वो डायकॉट स्टेम का रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखा दी। जैसे बच्चे सीरियस नहीं होते, इनसे पैसे लो, हर सेशन खत्म होने का तो वापस कर लो इकट्ठे करके। महीने के महीने फीस लो बाद वापस कर लो जब तक मनी इन्वेस्ट ना हो सर जी, तब तक। हाँ 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 ये बात तो है, ये रियलिटी है एक्चुअली। सरकार तो ये कोशिश करती है कि बच्चों को एजुकेशन दो, फ्री में शिक्षा दो, ये सब है ना, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है स्टार्टिंग से कि जब तक बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को पे ना करना पड़े तब तक वो सीरियस नहीं होता, जब पे करना होता है तो उसपे एक प्रेशर होता है घर वालों पे भी और बच्चे पर भी कि है ना, चाहे तुम्हें, मतलब मैं नहीं बोल रहा ज्यादा बड़ी बात है ना, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ। शायद मैं यहाँ पर सहारनपुर की किसी कोचिंग में ना पढ़ा पाऊ, शायद वो पे नहीं कर पाएगा मुझे क्लास, सहारनपुर जैसे शहर में शायद तो कोई कोचिंग वाला है ना मुझे हायर ना कर पाया अगर मैं कॉलेज में नहीं होता तो। वैसे तो हम प्राइवेट पढ़ाते नहीं ना कॉलेज में हम, तो ये तो सरकार की उसमें, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं फ्री की कोचिंग है, कौन से टीचर आ रहे होंगे अच्छे, फ्री वाली है वो तो अभ्युदय योजना, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि कोचिंग्स में इधर उधर तो कोई भी जो प्राइवेट से ऐसे जो पढ़ा रहे हैं ना, कोई भी टीचर जाके पढ़ा लेगा वहां पे सस्ता सस्ता, यहाँ पर तो सारे के सारे आपके अच्छे टीचर आ रहे हैं, या तो प्रोफेसर आ रहे हैं कॉलेज के जो इस फील्ड से जुड़े हुए पहले कभी रहे हों, या फिर इंटर कॉलेज के भी आ रहे हैं, तो वो भी जैसे जो सर आते हैं वो जूलॉजी वाले, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं सर, आप जानते हो कि है ना,
तो मतलब जो मुझे लगता है बच्चों से मिला है ना, वो तो बाकी तो आप जानते होंगे कौन अच्छा कौन नहीं बुरा है, ये तो आपको पता है। लेकिन मैं एक बात मुझे बोल, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी रियलिटी में कोई फ्री में पढ़ा रहा है, तो कभी कभी रियलिटी में आप जानते हैं कि वहां क्वालिटी नहीं मिलती। कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ पे आपका सेंटर है, मुझे भाई लगता है कि फ्री में वैसा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो वहां पे क्वालिटी बहुत ज्यादा। मुझे नहीं लगता सहारनपुर में कोई भी पे करने वाली कोचिंग उन टीचर्स को है ना पढ़वा पाए सारे के सारे एक जैसे। नहीं तो एक आध पकड़ लेते हैं कोई अच्छा, बाकी सब काम चला देते हैं। फिजिक्स भी वही पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री वही एक ही टीचर पढ़ा रहा है ना, बायोलॉजी में सब पूरे पढ़ा रहा है वो, ऐसे होता है। या कभी कभी तो कोई बंदा एक ही बायोलॉजी केमिस्ट्री सब पढ़ा डालता है, कैसे पढ़ा देता है भाई। सर जी हमारे यहाँ हर मर्ज की दवा मिलती है वाला काम। हाँ एक स्पेशलिस्ट है, अरे हर मर्ज की दवा देने वाला है। हाँ वही है, पुड़िया बांध के दे दो, हर एक मर्ज की दवा देता। पुड़िया में सब पुड़िया में जादू है उसका, कोई नाम नहीं बताएगा कंपनी पे कौन सी ड्रग है, सॉल्ट है, पुड़िया है। अच्छा सस्ता रहेगा कि 100 रुपये में पुड़िया भी बांध के देगा, कहेंगे अरे हम वहां पे क्यों फीस दें 300 400 रुपये, वो तो 100 रुपये में हमें दवा भी दे रहा है इंसान। अब लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, अब पुड़िया खा के चक कुछ भी हो जाए, एक टू पवेलियन चले जाए इंसान। तो बेटा ऐसी बात है, कायदे से सरकार को पता है क्या करना चाहिए, जो मेरी राय है भाई, मतलब मैं तो कि एक छोटा सा मिनिमल चार्ज रखना चाहिए शिक्षा, शिक्षा पे वो लगाना चाहिए थोड़ा सा, मतलब इस मामले में एजुकेशन देने में है ना। क्योंकि देखिए मैं जहां तक समझता हूं कि जैसे बहुत सी सरकारें फ्री फ्री में नहीं बांटती रहती चीजें, फ्री में ये फ्री में वो फ्री में ये, हम उससे कामचोर बनते हैं। क्या बनते हैं हम उससे, काम चला मैंने देखा है यूपी में ही, मैंने देखा है बुलेट से जाएंगे दंदनाते हुए और उस पर गल्ला राशन पानी बांध के पीछे ला रहे होंगे और फिर उसको बेच देंगे सामने पंसारी पे जाके चावल और राशन। भाई वो इतना, अब इतना बड़ा है देश है ना बेटा, वो कितना पैसा खर्च होता है देखो, कुछ तो वास्तव में जरूरतमंद है, कुछ तो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं जिनके परिवार में लेबर के लोग हैं, मतलब ज्यादा कोई है ना पढ़े लिखे नहीं है वो सब, वो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ घरों को क्या जरूरत है कुछ लोगों को। अब मान लो हमारे भी गांव में राशन वासन बंटता है ऐसे, तो हमारे मेरे पापा भी मतलब किसान है फार्मर है, लेकिन वो राशन लेने थोड़े जाते हैं, मतलब ही नहीं। बहुत से लोग जाते हैं, मतलब हमारे घर से जो बहुत बहुत अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो भी, वो समझते हैं राशन तो पूरे गांव के लिए ही है जिसका भी राशन कार्ड बना हुआ है। अरे भाई आप सक्षम हो, सब अपना खा पी रहे हो, तो क्या जरूरत है आपको राशन लेने की, क्या मतलब है। वो किस पैसे से आता है, वो हमारे जैसे जो ईमानदारी से जो पे करने वाले हैं टैक्स पेयर्स, वो सब कुछ पूरा उसी से तो चल रहा है, पूरी गवर्नमेंट उसी से चल रही है जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना आप, जो टैक्स पे ईमानदारी से कर रहे हैं प्रॉपर, उन्हीं के उससे चल रहा सब कुछ। चलिए खैर, सर तो उसका ये है कि आप शिक्षा पे थोड़ा सा वो लें, फीस लें थोड़ी सी, फिर उसको पता है जब बच्चा अच्छा करे उसको वो करने के लिए उसको एक प्रोत्साहन के उसकी तरह ना उसको प्राइज बनी दे, उसी पैसे को चाहे वापस आप उनकी उसी में लगा दें, उनसे लेकर के उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो आप, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करा रहे हो आप, उनको अच्छे नोट्स और ये सब दे रहे हो, क्वेश्चन दे रहे हो है ना उस फॉर्म में दीजिए, और जब कोई टेस्ट में फर्स्ट आए उसको प्राइज दे रहे हो आप, तो वो मोटिवेट होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप, उस सर पैसे को जो छोटा छोटा सा आप अमाउंट ले रहे हो, चाहे 500 रुपये महीने ही आपने पूरी कोचिंग दे रहे हो, वो कुछ तो ले रहे हो, तो उसको लगेगा यार पैसे जा रहे हैं हमारे, पढ़ लें जाके। अब तो क्या है फ्री कोचिंग है, जाओ मत जाओ, हाँ क्या जिस टाइम फर्क मर्जी जाओ। पड़ा। चलिए फिर टॉपिक आ रहा हूं मैं तो बेटा, रे सर मैं इस लाइन में नहीं था, गवर्नमेंट वाली जॉब में, इसमें मतलब मैं अपनी कोचिंग लाइन में था, तो मेरे पास अगर कोई बच्चा आता था ना पर्सनली पढ़ने,
गाड़ी वाले ही बच्चे आते थे डॉक्टर्स के वैसे पर्सनली, तो 1 घंटे के 1500 रुपये चार्ज होता था मंथली, नहीं 1 घंटा मतलब 1 घंटा 1 आवर, 10 दिन पढ़ लिया तो 15,000 रुपये हो गए उसके 10 घंटे। क्लास से 15 दिन एक बच्चे का केवल 1 घंटे का 1 आवर, जैसे मैं क्लास लेके जाता हूं तो वो अकेला बच्चा बैठ के पढ़ के जाएगा, ये फीस पे करता था। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा अच्छा हूं? और जब बैच पढ़ रहा है या भीड़ पढ़ रही है तो आप सोचिए कि उन्हें कम पड़ेगा मान लो, क्योंकि बहुत सारे पढ़ रहे हैं है ना, तो कम पड़ जाएगा, पड़ जाएगा 4,000 रुपये महीने, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 4,000 रुपये महीने, 5,000 रुपये महीने, लेकिन बच्चे तो बहुत सारे होंगे, तो सोचिए उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट का भी देख लेना कीमत निकाल के, कोई पर्सनली। तो बेटा रे, लेकिन टीचर का भी ये फर्ज बनता है कि अगर वो किसी को हो तो उसका है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे, जो करते थे पहले अफोर्ड या जो भी है, तो उसको वो पूरा अपना एफर्ट लगा के पूरा का पूरा, क्योंकि एक बच्चे में आप जानते हो उसकी क्वेरीज कम होंगी और उसको बहुत जल्दी फास्ट चल सकता है, ज्यादा बच्चों के अकॉर्डिंग हर किसी कमजोर और इंटेलिजेंट सब बच्चों को लेकर के चलना होता है टीचर, ये हमेशा ध्यान रखिए। एवरेज या कमजोर, मेरी सोच दूसरी है, एवरेज कमजोर बच्चों को पढ़ाना ज्यादा कठिन होता है, बहुत से टीचर सोचते हैं सामने वाला कुछ नहीं जानता कुछ ही पढ़ा दो, बेवकूफ है सामने वाले कुछ ही पढ़ा दो वो अच्छा है ना, इंटेलिजेंट होगा तो खींच लेगा टांग टीचर की, लेकिन मुझे लगता है इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ाना सबसे आसान होता है, क्योंकि वो चुटकियों में समझता चलता है, ज्यादा जोर नहीं पड़ता। तो ये टीचर का भी फर्ज है, दायित्व है कि अगर वो चाहे कहीं भी, अगर मैं यहां पे भी, तो गवर्नमेंट पे कर रही है हमको भाई, आप लोगों के लिए तो फ्री है, हम फ्री में पढ़ाने नहीं आ रहे यहाँ पर, कॉलेज के अलावा अलग टाइम लेके आ रहे हैं, मान लो हम लंच अपना बाद में करेंगे जाके है ना, लंच के टाइम पे वो रखा रहेगा टिफिन, तो क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट पे कर रही है भाई, इसलिए आ रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे बाउंड थोड़े ही हैं। तो बेटा रे, अब देखिए हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ लीव्स, तो बेटा रे लीव्स की एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं, देखिए अब वैसे देखने में क्या लगता है हमें कि लीव तो देखने एकदम पतली सी होती है ना, पत्ता कोई लीव यहां पर है नहीं यार, अभी थोड़ी कोई बाहर पड़ी होगी क्या, देख के ला जरा, कोई पड़ी हो तो नहीं, कोई सी भी लीव लिया तो एक लीव ले क्या, पड़ी होगी जाके देख, बड़े कुछ देखिए बेटा बात नहीं, आइसो बायलेटरल जो लीफ होती है ये एक्चुअली में इसको इक्विफेसियल भी कहते हैं, कौन सी बोलते हैं, इक्विफेसियल, और डॉर्सी वेंट्रल बाईफेसियल होती है, दो तो मेन टाइप होते हैं भाई लीफ के, दो एनाटॉमी मेन के है ना, तीसरी मैंने बताई आपको जानकारी देने के लिए, एक और बता दूंगा, लेकिन वैसे दो मेन है, आइसो बायलेटरल और डॉर्सी वेंट्रल। बेटा आइसोबायलेटरल होती है मोनोकॉट में मोस्टली, इसमें होती है मोनोकॉट ली, और बेटा रे डॉर्सी वेंट्रल होती है मेनली डाइकॉट लीव्स, मेनली मोनोकॉट लीव और मेनली डाइकॉट, ठीक है बेटा। यूनिफेशियल बताता हूँ, ऐसा आवाज बड़ा अच्छा होना चाहिए, दो दो पत्तियां ले आया,
बड़ी साफ साफ सी पुटली लेके आया, देख लो गंदी वंदी भी नहीं है एकदम, है ना, अच्छी पत्तियां। बस यही बात आप कहेगा और क्या है, एक तो लेके आया है घनसुए, हाँ तो देखिए मैं बताना चाह रहा था कि ये देखो ये आपको ऐसे पतली सी लिप नजर आ रही है ऐसी, आप देखें इसकी मोटाई कहाँ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जो यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा या एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसको लिप को ऐसे पार्ट नहीं दिखाने वाला इसके, आप कहेंगे ना कि इतनी चौड़ा आपने डायग्राम बनाया सर, या एनसीईआरटी बना हुआ है यस सर, कि आप सोचेंगे इसका डायग्राम होगा ये सामने से, नहीं, इसका सेक्शन काटा ऐसे, ये लीफ है, इसका वर्टिकल सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ना, वर्टिकल सेक्शन इसको बोलते हैं, वर्टिकल सेक्शन ऐसे इसका है ना, ऐसे सेक्शन काटा, तो आप देखिए ऐसे काट के और आप देखेंगे कि इतनी तो मोटाई बस इसकी, उसी मोटाई में अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और उनके बीच में इतने सारे टिश्यूज बताए जाएंगे, वो सब कुछ इसी मोटाई में, तो ये मत सोचना कि डायग्राम की सर आपने डायग्राम तो इतना चौड़ा बना दिया, वो इसी इसी के अंदर है सब कुछ, मेरी बात समझ रहे हो आप, नहीं तो बच्चा डायग्राम देख के क्या समझता है, जो एनसीईआरटी है देखा ना बेटा, ये जो एनसीईआरटी ये तो एकदम लेटेस्ट वाली है, तो हाँ कोई बात नहीं, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात है, ये तो डायग्राम दोनों में, ये जो डायग्राम दिख रहे हैं गौर से देखें आप, इसमें अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस है ना, तो ये ऐसे नहीं है ये लीफ का, नहीं इसका ये केवल इतने से पत्ते में ही इतनी सारी चीजें हैं मोटाई में, बात खुपड़िया माई तुम्हारी है ना, ले भाई, तो बेटा रे देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं आइसोबायलेटरल लीफ क्या होती है, ये मेरे हाथ में यहां पर जो दो पत्तियां बच्चा लेके आया है ये डायकॉट की लीफ्स है, किसकी हैं, दोनों ही डायकॉट हैं, क्लियर कट मुझे रेटिकुलेट विनेशन इनमें नजर आ रहा है, यस सर, ठीक है प्रॉपर एकदम, और ये डॉर्सी वेंट्रल टाइप की कैसी है, तो पहले डॉर्सी वेंट्रल बता देता हूं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ को आप देखोगे वैसे आपको ये लीफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लीफ है, इधर से देखेंगे आप इधर से कलर में भी अंतर लग रहा है ना, आप कोई बच्चा कह सकता है ये इधर से सीधी है सर इधर से उल्टी है, ये केवल इन्हीं में कह सकते हैं आप, मेरी बात समझे आप, ये इन्हीं में कह सकते हैं डॉर्सी वेंट्रल में, क्योंकि इसमें डॉर्सल वेंट्रल दोनों क्लियर कट सरफेस डिफरेंशिएट होती हैं, फोरों में नहीं कह सकते आप, आइसो बायलेटरल में दोनों सरफेस एक जैसी होती हैं, तभी तो नाम आइसो यानी सेम एक जैसी, इक्विफेसियल इक्विफेसियल इक्वल दोनों फेस इक्वल हैं, समझ में बात आई, ये मतलब, और यहां पर बाइफेसियल दो फेस हैं उसकी दो साइड हैं क्लियर कट अलग अलग, मीनिंग वो नाम उसी लिए रखे हुए हैं भाई, रटना नहीं है, है ना, तो बाई फेसियल यानी कि दो फेस हैं अलग अलग क्लियर कट, क्लियर, यूनिफेसियल जो होती है बेटा एक इक्विफेसियल तो होगी कि दोनों तरफ हैं तो दो फेस, भाई मोनोफोट में भी हैं तो दो लेकिन वो एक जैसी है, मेरी बात समझे, इक्विफेसियल बेटा पता क्या है, मोनोकॉट के ही कुछ नाम है, जैसे तुमने देखा है प्याज लहसुन जो हरी वाली उनकी लीफ्स होती हैं, जैसे अब देखना ये है, जैसे सपोज कर ये है एक लीफ है, ये क्या ये ये लीफ है, बताना इसमें दो सरफेस का है, क्योंकि चपटे है ही नहीं, पूरा सिलेंड्रिकल है ये राउंड है ना, तो इसमें आप दो सरफेस बता ही कह सकते हो, पूरी गुलाई में एक ही सरफेस है वो तो बस, नहीं समझे, जो फ्लैट होगी उसी में तो बता सकते हो कि दो साइड हैं, जब वो पूरी की पूरी गुलाई में ऐसे है तो उसमें दो साइड कहां से हो जाएंगे भाई, तो इक्विफेसियल जो सॉरी यूनिफेसियल एक ही फेस होना, ये किसमें होती है, अनियन में और गार्लिक, अनियन होती है प्याज
वो गार्लिक होता है लहसुन, हरी वाली लीफ की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर। तो ये यहां पर हमें बात नहीं करनी, इसलिए मैंने बॉक्स में ये बनाया है क्योंकि इसकी बात नहीं करनी, ये तो मोनोकॉट का ही टाइप है लेकिन अनियन और गार्लिक एक ही फेस है बस, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले हम भाई साहब किसकी यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, एनसीईआरटी में देखना, अपनी सभी एनसीईआरटी खोल कर रखें। उसमें ये होगा कि मुझे यहाँ पे डायग्राम प्रॉपर पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना बेटा, अपनी एनसीईआरटी खोल करके देखिए और डायग्राम देखिए डाइकोटिया डॉर्सी वेंट्रल लीव्स का, हमारे सामने तो बहुत अच्छे प्रैक्टिकली सामने प्रेजेंट है, और ऐसे थोड़ा लाइट में देखें आप क्या बेहतरीन विनेशन दिख रहा है, और ये लीफ मुझे बहुत पसंद आई वास्तव में, जिस चीज को आप स्टडी करा रहे हैं और उसको आप देखें जब, क्लियर कट मिडरिप, उससे निकलती हुई वेन्स, फिर उसमें जाल पूरा वेनलेट्स का, वैसे दूसरे नहीं दिखेगा वेनलेट्स का जाल, जब आप लाइट में देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो देखिए यहां पर बेटा हम जो बात कर रहे थे डॉर्सीवेंट्रल लीफ के एनाटॉमी, देखिए चाहे मैं डॉर्सीवेंट्रल बोलूं या आइसोबाइलेटरल बोलूंगा, अभी आप एनाटॉमी को तीन बातों में पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी तीन बातों में पढ़ सकते हैं, लाल टी शर्ट वाला आलस आ रहा है, क्या नाम है तेरा, जिहान, आलस तो आ रहा है मुझे लग, क्या खा के आया था, मट्टा वट्टा पी के आया था क्या, कौन सा स्टैंड, ये वाला स्टैंड, नींद भाग जाते थे जी, ये वाला स्टैंड सब्जी और रख बैठे थे। चलिए नहीं, ये बच्चे के ऊपर है, नींद आए तो मतलब नींद को भगा सकते हो आप, नींद आपको आ रही है तो अपनी चुटकी काट लो ऐसे, बराबर वाले से कहते हो, चलो अपने तेजी से, नींद गायब हो जाएगी, यहां से स्ट्रोंग होने की जरूरत है, या पानी से आंखें धोया मेन चीज ये है, अगर आपको नींद आ रही है बराबर वाला आपको अगर मार रहा है तो वो आपको फैला कर रहा है, ध्यान रखना इस वक्त वो आपका बहुत बड़ा हितेशी है, और जो अगर और अपना कंधा दे रहा है सुझा रहा है, वो ये चाहता है कि वो तो बन जाए अधिकारी बहुत अच्छा करके, है ना, और तुम बस रह जाओ नीचे, वो ये चाहता, ध्यान रखना, जो भी तुम्हारी सहेली या जो भी तुम्हारा दोस्त अगर ऐसा हो कर रहा हो कि और तुम्हें कि भाई आराम में सो जाते बेचारे पढ़ाई के दौरान, वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं हो, ध्यान रखना इस बात को। तो मैं यहां पर क्या बात कर रहा था बेटा, तीन बातों में, तीन टाइप के टिश्यूज में पढ़ते हैं पूरी एनाटॉमी को लिप की, एक तो होती है एपिडर्मिस, क्या होती है एपिडर्मिस, ठीक है भाई साहब, एक रिप्रेजेंटेशन बना दूंगा मैं एक सिंप्लीफाइड एकदम, बाकी डायग्राम तुम्हारा वही काम करेगा, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है ग्राउंड टिश्यू, क्या होता है ग्राउंड टिश्यू, और एक होता है वास्कुलर बंडल या वास्कुलर टिश्यू, समझ गए, यस सर। अब ग्राउंड टिश्यू में यहां पर नाम है मीजोफिल, क्या नाम है उसका, मीजोफिल, बेटा यहां पर ऐसे नाम नहीं होते वो जो आप जानते हो कि कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, नहीं, यहां भी मोनोकोट स्टेम की तरह पूरा ग्राउंड टिश्यू एक ही नाम होता है उसका मीजोफिल, क्या नाम होता है, क्लियर। देखिए केवल एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म बना रहा हूं, ध्यान रखिए, जैसे ये सबसे ऊपर क्या बना दी मैंने एपिडर्मिस, नीचे भी एपिडर्मिस बना दी मैंने, और ये वास्कुलर बंडल बना रहा हूं, फ्लोएम एमएक्स पीएक्स, पीएक्स बोले तो फ्रूटो जालम, जालम हो गया है पूरा यार, दो पूरा सही बना दिया मैंने तो, देखिए ध्यान से सुने,
ये मैं वास्तु को बना रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट डायग्राम सब ऐसे बना हुआ है बेटा, ये एपिडर्मिस है अपर और ये लोअर एपिडर्मिस है ना, कैसी वाली है अपर एपिडर्मिस और नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस। ये मैं कल बता चुका हूं कि ऊपर वाली एपिडर्मिस को एनाटॉमी में क्या कहते हैं, अडेक्सियल एपिडर्मिस, और लोअर वाली एपिडर्मिस को अडेक्सियल। डॉर्सी वेंट्रल लीफ में क्लियर कट होती है दोनों। अब किसको डॉर्सल बोले किसको वेंट्रल बोले, ध्यान सुनना मेरी बात। नॉर्मली क्या होता है हमारा सोचने का तरीका, कि जो ऊपर वाली सरफेस होती है जैसे टेबल है, ये वाला डॉर्सल सरफेस हो गई, अपर है ना, ये ऊपर वाली डॉर्सल हो गई, नीचे वाली वेंट्रल हो गई नीचे वाली सरफेस। लेकिन लीफ के मामले में ऐसा नहीं, लीफ स्टेम पर ऐसे लगी हुई, कैसे लगी हुई है, इस पोजीशन में लगी हुई है लीफ, ध्यान से देखना ऐसे, ठीक है, ब्रांच पे रुक जा भाई ऐसे, ठीक है, ये स्टेम मेरा हाथ ब्रांच है, ये जो सरफेस है ऊपर वाली है ना, ये तो अडेक्सियल है, अडेक्सियल है अपर सरफेस, नीचे वाली वेंट्रल। लेकिन ध्यान सुनना मेरी बात, रियलिटी में अपर को अडेक्सियल बोलते हैं और नीचे वाली को अबेक्सियल एनाटॉमी बोलते हैं। पता है डोर्सल या वेंट्रल किसको बोलते हैं, डोर्सल बोलते हैं आउटर और वेंट्रल बोलते हैं इनर साइड, डोर्सल किसको बोलते हैं आउटर साइड और वेंट्रल इनर को। अब जरा गौर से देखना, ये यहां पे स्टेम पर है, तो ये जो अपर है ये इनर नहीं है, ये जो अपर साइड है ये एक्सेस की तरफ, इधर क्या है ये इनर, अंदर है ये, तो वेंट्रल हो गई, अपर होते हुए कैसी हो गई वेंट्रल, जबकि ये अपर डोर्सल है यहां पे, क्योंकि आउटर भी यही है अपर भी यही है, नहीं समझे, आउटर भी है टेबल का ऊपर टॉप और अपर भी है, यहां पर ये अपर जरूर है अपर सरफेस अडेक्सियल, लेकिन इनर है तो वेंट्रल है, यानी अपर सरफेस का क्या नाम होता है अपर एपिडर्मिस का, वेंट्रल साइड, वेंट्रल एपिडर्मिस, ध्यान रखना इस बात को, वेंट्रल, और ये वाली होती है डोर्सल नीचे वाली, क्योंकि आउटर होती है ना। हम लोगों की जब आपने पढ़ते हो जूलॉजी में सर पढ़ाते हैं जब भी, तो हम ऐसे अपने आप को कंसीडर करते हैं, ये जो हमारी पीठ है बैक साइड ये डोर्सल बोली जाती है और आगे वाला हिस्सा वेंट्रल बोला, क्योंकि वो अपर भी है और आउटर भी है, आउटर हमारी बैक, चार पैरों की तरह अगर चल के देखेंगे तो, समझ बात आई। तो मैंने इसको क्या नाम बताया सरफेस को, वेंट्रल है, अडेक्सियल है, ये डोर्सल है और अबेक्सियल, ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा लेना अच्छे से, ठीक है, कभी उल्टा नहीं होना चाहिए। और मैंने बताया कि डोर्सल का मतलब आउटर होता है और वेंट्रल का मतलब इनर होता है, अडेक्सियल का मतलब अपर होता है और अबेक्सियल का मतलब, अडेक्सियल का मतलब अपर होता है और अबेक्सियल का मतलब लोअर, ठीक है, चलिए। अच्छा बेटा यहाँ पे डॉर्सी वेंट्रल जो लीफ है ना, अभी एपिडर्मिस ही बता रहा हूं, डॉर्सी वेंट्रल जो लीफ है उसमें जो नीचे वाली सरफेस है कौन सरफेस है, अबेक्सियल, उस पे स्टोमेटा होती है, यहां सुनना, या तो स्टोमेटा केवल नीचे वाली पे होंगे या दोनों पे अगर होंगे ना तो नीचे वाली पर ज्यादा ऊपर का, क्योंकि ये सनलाइट को ज्यादा फेस कर रही है, सनलाइट को ऊपर वाली साइड, तो स्टोमेटा छिपकर रहना चाहते हैं लोअर साइड, जैसे डायरेक्ट मतलब हर चीज का लॉजिक है, ऐसे नहीं कि रट लिया बस कि ज्यादा होते हैं, पूछा क्यों ज्यादा होते हैं, पता नहीं सब सर ने बताया ज्यादा होते हैं, क्योंकि सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ये रहेगी तो इसलिए वाटर लॉस ज्यादा होगा, तो अडेप्टेशन है लोअर सरफेस पर रहते हैं, वाटर का लॉस भी ना हो और फोटोसिंथेसिस भी होती रहेगी, क्लियर, या तो लोअर पे ही होंगे या फिर दोनों पे होंगे तो लोअर पे ज्यादा होंगे, खोपड़िया बात आ गई सर, तो हाइपोस्टोमेटिक है, हाइपोस्टोमेटिक मतलब लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होगा, ठीक है। अच्छा क्यूटिकल वगैरह पाई जाती है ना बेटा, तो क्यूटिकल भी अपर सरफेस पे ज्यादा डेवलप होने की जरूरत है ना, क्योंकि सनलाइट के कॉन्टेक्ट में कौन सी ज्यादा अपर, तो क्यूटिकल इसलिए ज्यादा डेवलप होती है, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर और होती है क्यूटिकल, है ना,
तो वो ज्यादा डेवलप होती है अपर सरफेस पर। ये सब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं डाइकोटरी डॉर्सी वेंट्रल। मैंने अभी तक जो डिस्क्राइब किया डॉर्सी वेंट्रल लिप की एपिडर्मिस मैंने डिस्क्राइब कर दी है। क्या कर दी? एपिडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू और कर देता हूं चलते चलते। जो इसका ग्राउंड टिश्यू मेसोफिल है वो डिफरेंशिएट रहता है दो टाइप के टिश्यू में, वो भी डिफरेंशिएट है। मतलब ग्राउंड टिश्यू का नाम मेसोफिल है, लेकिन पता अपर की तरफ तो इलोंगेटेड, चाहे तो एनसीईआरटी में डायग्राम देखना, ऊपर इलोंगेटेड है और एक दूसरे से सटे हुए हैं सेल्स, जिनको बोलते हैं पेलिसेट टिश्यू या पेलिसेट सेल्स। पेलिसेट पैरेन्काइमा एडैक्सियल साइड में क्वेश्चन आता है कि पेलिसेट पैरेन्काइमा इज फाउंड टुवर्ड्स। बच्चा ये तो जानता है कि हाँ था, ये नहीं जानता किस साइड में। अरे दिमाग में इमेज अगर डायग्राम है तो क्यों नहीं जानोगे? तो आपको बस सब दिमाग में समझता हुआ होना चाहिए, रटा हुआ नहीं, समझा हुआ कि ऊपर डायग्राम में इमेज में ऊपर था, एडैक्सियल साइड में होगा, कॉमन सेंस है ना। और नीचे की तरफ एडैक्सियल साइड में होता है स्पंजी टिश्यू, जिसमें गैप गैप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गैप। दूसरी बात ध्यान सुनो, जो पहले से टिश्यू है ना ऊपर की तरफ, उसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं, नीचे जो स्पंजी है उसके मुकाबले क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं ऊपर, स्पंजी में कम। इसीलिए तो ये तुम्हें दिखाई दे रही है डार्क ग्रीन, देखना साइनिंग ग्रीन। तुम देख के बता दे तो इधर से सर सीधी है पत्ती, इधर से उल्टी है। क्यों? इधर से ज्यादा ग्रीन साइनिंग दिख रही है आपको, इधर से डल दिख रही है, मतलब है ना पेल सी लाइट, रफ सी, क्योंकि इधर क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज्यादा है इधर के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पहली सेड में ज्यादा है, स्पंजी में कम है। ये लीफ हाथ में आ गई, बहुत अच्छा रहा, मतलब ये ना ये इससे डिस्क्राइब करना चीजें बहुत आसान है। मेरी बात समझ में आई? तो ये मेसोफिल ग्राउंड टिश्यू की बात बताई मैंने। जो मिडवेन है, मिडवेन का वास्कुलर बंडल सबसे बड़ा होता है साइज में, दिख रही है आपको कितनी मोटी वेन दिख रही है, तो उसका वास्कुलर बंडल भी सबसे बड़ा होगा, बाकी वेन्स का उससे छोटा, वेनलेट्स का सबसे छोटा। वास्कुलर बंडल हर एक, ये वास्कुलर बंडल एक नहीं है लीफ में, ये यहां पर मिडवेन में, वेन्स में है सब में, और वेनलेट्स में भी ये बहुत ही छोटे, सोचिए माइक्रोस्कोपिक जैसे हो गए। तो सबसे बड़ा कहां पर होगा? मिडवेन में, मिडरिब में। तो मिडरिब का वास्कुलर बंडल क्योंकि बेटा बड़ा है, उसको सपोर्ट देने के लिए ऊपर नीचे है ना कुछ ऐसा टिश्यू भी होता है जिसको बोलते हैं बंडल सीट एक्सटेंशन। क्या बोल देते हैं? तो आप उसमें लेवलिंग एनसीईआरटी में अपने कर भी सकते हैं, है लिखा हुआ। ओके इसको बंडल सीट एक्सटेंशन कह देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो ये मैंने डिस्क्राइब किया आपको बहुत सारी चीजें, और वास्कुलर बंडल कैसा होता है वैसे वो बता देता हूं। चलो डॉर्सी वेंट्रल लीफ का, नॉर्मल लीफ का स्टेम की तरह, किसकी तरह? कंजॉइंट कोलेट्रल एंड डार्क, लेकिन यहीं तक जाइए, कंजॉइंट कोलेट्रल एंड डार्क। ओपन क्लोज की जब बात आएगी तो वहां डाइकॉट मोनोकॉट मत लगाना तुम, क्योंकि लीव्स में कोई सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ी होती है, कैमियम नहीं होता। तो चाहे मोनोकॉट लीफ हो चाहे डाइकॉट लीफ हो, नॉर्मल मोनोकॉट स्टेम की तरह क्लोज वास्कुलर बंडल होते हैं दोनों में। तो कंजॉइंट कोलेटरल एंड डार्क एंड क्लोज्ड कैसे हो गए? कंजॉइंट कोलेटरल एंड डार्क क्लोज्ड। अच्छा और देख एंड डार्क कंडीशन है तो प्रोटोजेलम किधर होगा? अंदर। प्रोटोजेलम किधर होता है? अंदर। अब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, अंदर का मतलब भी उन्हें समझ में नहीं आता, अंदर नीचे को ऊपर। मैंने अभी क्या बताया था, लीफ की अंदर वाली साइड कौन सी है? इनर वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली। तो अब उसके दिमाग में खुपड़िया में रहेगा कि सबसे पहले सबसे ऊपर की तरफ प्रोटोजाइलम होगा, फिर मेटा हो, और सबसे बाहर नीचे को फ्लोएम होगा, यानी नीचे वाली साइड आउटर साइड है भैया, बता रहा हूं बार बार, क्योंकि ये बात आपके समझ में नहीं आएगी, नहीं तो अगर मैं नहीं बताऊंगा कि भाई जाइलम किधर फ्लोएम किधर है, क्योंकि कॉमन सेंस है ना कि अंदर वाली साइड एक्चुअल में ऊपर वाली साइड है भाई, दिमाग में ये रख लो, तो बस पता चल जाए बस, ठीक है। चलो मिलते हैं कल को। Спасибо.